हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं फ़िश फ्राई। तो इस फ़िश फ्राई के लिए हमने लिया है ये मोदका फ़िश, जिसे अच्छे से क्लीन करके वॉश करके रखा हुआ है। इसमें डलने वाला सामान जो है मैं आपको बताती हूँ, जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, बेसन, कड़ी पत्ता बारीक कटा हुआ और सॉल्ट। तो अभी मैं इसमें सारे मसाले मिक्स करके मैं आपको बताती हूँ। 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 से 3 स्पून बेसन, उसे बाइंडिंग करने के लिए। फिर बारीक कटे हुए कड़ी पत्ते, ये हम सारा डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1 स्पून सॉल्ट, क्योंकि हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट में सॉल्ट ऐड किया हुआ है, इसलिए हम इसमें थोड़ा ही डालेंगे। उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक 2 टेबलस्पून। अब हम इसे अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक 5 से 10 मिनट्स तक इसको मैरिनेट करेंगे, इसके बाद हमें इसे फ्राई करना है। तो ये इस तरीके से अच्छे से मसाला पूरा मिक्स करने तक इसे अच्छे से मसाले में कोट कर लीजिएगा। ये एक्चुअली नींबू डालना था, मैंने ये आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया। तो ये इसे हम हाफ लेमन लिया है, लेकिन ये पूरा नहीं डालेंगे, हम ज़रा सा इसमें स्क्वीज़ करेंगे ये लेमन, थोड़ा सा सीड निकाल के ये लेमन अभी इसमें हम स्क्वीज़ करेंगे थोड़ा सा। अब ये अच्छे से कोट कर लेंगे मसाले में। तो ये इस तरह से मिक्स करके अच्छी तरीके से अब इसे हम रख देंगे एक 5 से 10 मिनट मैरिनेट होने के लिए। बस अभी इसे हमें मैरिनेट करना है 5 से 10 मिनट्स के लिए। अब ये मैंने गैस पे पैन रख दिया है, मतलब तवा रख दिया है। जैसे ये तवा गर्म हो जाता है थोड़ा सा, तो हम इसमें अभी ऑयल डालेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा फ्राइंग के लिए ऑयल डाल दिया है। अब जैसे मैंने ये ऑयल देखा कि गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें फिश डालेंगे। अब ये फिश हमने इसमें डाल दिया है, तो अब इसे अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होने तक इसे फ्राई करेंगे। अब ये देखिए, अभी जैसे ये फ्राई वन साइड पूरी तरह से फ्राई नहीं हो जाता, तो इसे पलटना नहीं है, वरना ये नीचे स्टिक हो सकता है। तो इस तरह से हम सारे फिश पलट देंगे। दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्प होने देना है।
बनकर। अभी इस तरह से जब फ्राई हो चुका है तो हम इसमें दो करी लीफ डाल देंगे, तो इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। बस इसी तरह हमें इसे फ्राई करके निकालना है। बाकी के मैं सारे फिश इसी तरह फ्राई करने वाली हूँ, पूरे निकाल के मैं आपको एक सर्विंग बोल में डाल के बताऊँगी। अब ये फिश फ्राई बनके रेडी हो चुका है, देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये जो करीली मैंने दिखाया था कि फ्राई किया है, उसे मैंने रख के डेकोरेट कर दिया है। तो इस तरीके से क्रिस्पी फ्राई कर लीजिए, ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छा जाता है साइड डिश। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी न्यूली स्टार्ट किया है ये चैनल। अगर कुछ गड़बड़ हो भी रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वहाँ पर जो बेल आइकन बटन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे आपको और भी बहुत से वीडियोस देखने मिलेंगे जो मैं नए नए डिश बनाऊँगी। तो थैंक यू सो मच।